हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, टुडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने पार्क में और आप देख सकते हैं पार्क में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। व्यू गाइस आप चेक करें कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। ये चेक करें। सो गाइस, बहुत ही अच्छा। और अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30 बज चुके हैं, तो मैं फ़िलहाल नहा कर बस रेडी हुआ हूँ अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो गाइस को थोड़ा बता दें क्या कर रहे हैं आज के दिन। सो इधर देखें, इधर का व्यू गाइस चेक करें, बहुत ही अच्छा आ रहा है। रहा है कि नहीं? सो गाइस, आप इस पार्क में भी देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगवाए हैं मैंने स्पेशली मंगा कर। ये देख सकते हैं, और इधर भी गाइस चेक करें। अभी इधर थोड़ा बाकी है, इधर भी फ्लावर्स लगाएंगे। बाकी गाइस आपको इधर देखिए, इसमें कितना ढेर सारा नींबू लग चुका है गाइस। ये देखें, वाह भाई देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। नींबू बहुत ही ज़्यादा लग चुके हैं गाइस इसमें। तो ये देख सकते हैं आप कितने पीले पीले नींबू हुए पड़े हैं इसके। मैंने गाइस जस्ट इसका कलम लगाई थी, लगाया था कलम जो होता था। और गाइस आप नींबू की क्वालिटी गाइस चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। और व्यू भी गाइस आप देख रहे हैं कितना ही अच्छा आ रहा है। तो इधर भी चेक करें। तो गाइस आप पौधे को देखें, ऐसा ही पौधा सेम उस पार्क में भी है, वहाँ पर वो जो देख रहे हैं ना आप, वहाँ पर भी है ऐसा ही पौधा। तो उसका भी मैंने 2 कलम काट कर लगाया था। तो ये फ़िलहाल ये हुआ बड़ा रेडी। ये देखें गाइस, नींबू इतने अच्छे हैं कि इसका अचार भी बहुत ही अच्छा बनता है। मैं ख़ास अपने रिलेटिव्स को भी दे आता हूँ। सो तो गाइस, मैंने आपको दिखाया कि इधर नींबू कितने अच्छे लगे हुए हैं। चलो वहाँ पर मुझे सामने में पता चला कि टोकरे बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर चलो देख कर आते हैं कैसे बनाते हैं। सो थोड़ा सा उधर भी देखते हैं। सो तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसे बुन रहे हैं, और इसकी बुनाई देख लीजिए कितनी अच्छी है। और इस साइड में देखिए गाइस, ये देखिए ये टोकरे इन्होंने तैयार किए हुए हैं जो कि काफ़ी ही बेस्ट और सुंदर सा लग रहा है। सो आप देख पा रहे होंगे कि भाई इन हाथों में कलाकारी कितनी है। और ये देख सकते हैं, ये भाई साहब थोड़ा सा बना लिया है, मतलब कम्प्लीट ही हो चुका है। जो इसका लास्ट वाला है वो कम्प्लीट कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप इधर। और गाइस ये भी बहुत अच्छा लगता है, कलाकारी है। ये बुजुर्ग हैं, इनके हाथों में यही कलाकारी है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से और कितने बढ़िया से बना रहा है। सो इधर देखिए आप, ये देख लीजिए ऐसे औजार इन्होंने भाई सारा रखा हुआ है। कहाँ रखना ही पड़ेगा भाई, काम करते हैं तो रखना पड़ेगा। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए इनकी अभी थोड़ी सी तैयार हुई है, मतलब 2 हैं बना रहे हैं। और इधर इधर देखिए टोकरे को, इसकी क्वालिटी चेक करें गाइस, कितना हैवी और कितना मजबूत है। ये टूटेगा नहीं, 2 साल 3 साल ये कहीं पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये गाइस तूत से बना है, जो तूत होता है उनसे बना हुआ है ये। सो तो चलो गाइस। सो तो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कि अपने खेत में, छोटे से में, जहाँ पर हम लोगों ने सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो वहाँ पर आ चुका हूँ गाइस, और देख सकते हैं आप कि मैं इसकी गुडाई कर रहा हूँ। इसमें से जो जो आलतू फालतू मतलब घास था वो निकाल रहा हूँ इस लहसुन में से। तो इसको निकाल कर पूरा क्लियर कर देंगे फिर, और ये सब सफाई कर देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा खाद डालेंगे ताकि अच्छा सा मतलब मोटे मोटे लहसुन हो सके। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं गाइस, इधर मैंने साफ़ किया हुआ है, तो इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है। इधर देख लीजिए इधर कैसा लग रहा है, इधर भी साफ़ करना पड़ेगा। ये देखें, तो बाकी ये देख सकते हैं आप सब्जियाँ है। इधर व्यू गाइस बहुत ही अच्छा आ रहा है, चेक करें। ये देखें गाइस, गोभी
सो फाइनली गाइस, अभी जाकर मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें की सफाई जो है, लहसुन जो है गुड़ दिया है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें से जो बूटियाँ थी वो तो मैंने निकाल डाली है, और गाइस इतनी ज़्यादा बूटियाँ थी कि निकालने में भाई मेरा तो पसीना ही छूट गया। ठंड के टाइम में भी पसीना छूट गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बूटियाँ थी, जो कि आपने देखा ही था। जो लहसुन था वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा बचा है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। ये देखें, ये देखिए गाइस, उधर देखिए, वहाँ पर वो लहसुन कितना सफाई से पूरा दिखाई दे रहा है, एक एक पौधा। और इधर देख लीजिए, लहसुन दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी बहुत ही ज़्यादा बूटियाँ हैं गाइस इसमें, तो वो देख पा रहे हो। बाकी इधर बंद गोभी को भी देख लीजिए, बंद गोभी ये सब तो चलो हो जाएगा एडजस्टमेंट, तो इधर भी बस बाकी सब ठीक है। इधर भी साफ़ सफाई, अभी तो सब्जियां लगी हुई हैं, इधर जब साफ़ सफाई करेंगे तो फिर इसमें एडजस्टेबल करेंगे। सो इधर देख सकते हैं आप, ये भी तो ठीक है। सो गाइस, टुडे व्लॉग में बस आज इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।